अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पर्शियन ओकरा स्ट्यू खोरेज बामिया। आधा कप तेल गर्म हो गया है, इसमें दो मीडियम साइज कटी हुई प्याज डालें। प्याज के गोल्डन होने तक फ्राई कर दिया है। एक टेबलस्पून इसमें कुटा हुआ अदरक लहसुन डालें। अदरक लहसुन लाल होने तक फ्राई करें। अदरक लहसुन लाल हो चुका है, अब इसमें एक टीस्पून हल्दी पाउडर डालें, एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालें। आधा किलो टोमेटो प्यूरी डालें। ग्रेवी के हिसाब से पानी डालें। एक टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालें। आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालें। नमक डालें टेस्ट के हिसाब से। 1/3 कप इमली का पानी डालें। आधा किलो धुली हुई चिकन डालें। देखें इसको एक बॉईल आ चुका है, अब इसको प्रेशर कुक करें, हाई फ्लेम पे दो सीटियां ले लें। आधा किलो धुली हुई और कटी हुई भिंडी डालें। अब इसको प्रेशर कुक करें, हाई फ्लेम पे एक सीटी ले लें। एक सीटी के बाद ये बिल्कुल रेडी है। खोरेज बामिये पर्शियन ओकरा स्ट्यू तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।